और उस टाइम पे हमने चर्चा भी करी थी कि ये जो है वो एक बार 75,800 से 76,000 ये कुछ लेवल कल के दिन के लिए जो है वो हमने चर्चा करी थी। तो आज का अगर आपने हाई देखा हो तो 75,700 कल रात को मिले थे, उस टाइम पे भी जो है वो हमने चर्चा करी थी कि मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट करना चाहिए। बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो चीज़ अगर मानी होगी तो आज आपको फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि ये लगातार खींच रहा है। परसों रात को हमने बात करी थी 73,100-73,200 पर कि शॉर्ट मत करिए, तो वहाँ से लगभग लगभग 2,500 पॉइंट की तेज़ी जो है वो हो गई है दोस्तों। मतलब आपके 75,000 रुपये एक लॉट में जो है वो बचा लिए। ठीक है, ये बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। कुछ दोस्त बाद में जुड़े होंगे तो वो वीडियो देखा होगा तो भी जो है वो आपको फ़ायदा हुआ होगा। आपका जो चैनल के साथ मेरे साथ जो एक्सपीरियंस है वो भी आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो। तो चांदी चल रहा है दोस्तों अभी 75,580 के आसपास। लाइव मार्केट से मैं बैठा हूँ, आपको भाव बता रहा हूँ यहाँ से। अब यहाँ से 75,450 का एक अहम लेवल आता है। 75,450 का लेवल अगर ये नीचे की तरफ काटता है तो करेक्शन कर सकता है। अब यहाँ से सीधी तेजी जो है वो मुश्किल है, और ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये बात आपको भी जो है वो पता है। क्यों? क्योंकि अब नीचे से जो है वो सीधा अगर आप देखोगे 5,000 पॉइंट जितना बढ़ चुका है तो सीधी सीधी लाइन में तो कभी ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन मेन बात जो दो दिन मैंने आपको सुबह शाम दो बार जो है वो लाइव में जुड़ा था, इसीलिए जुड़ा था क्योंकि उसकी चाल कुछ ऐसी वाइल्ड खतरनाक हो सकती है, उसी के कारण जो है वो हमने कल चर्चा भी करी थी। तो अब यहाँ पर 75,450 का लेवल अहम आता है, वो लेवल नीचे की तरफ काटे तो फिर ये करेक्शन की ओर जा सकता है। फिर हमें लेवल देखने को मिल सकता है 75,150। 150 का लेवल अगर ये काटता है तो 74,600 के आसपास जा सकते हैं, 74,200 के आसपास जा सकते हैं। और उसके नीचे अगर चलते हैं तो फिर धीरे धीरे करके मैक्सिमम अगर दोस्तों मैं आपको बताऊँ यहाँ पर तो 72,800-73,100 उसके नीचे चांदी करेक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये लेवल के आसपास जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ संभावनाएं बन रही है वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे मुझे क्लियर होगा मैं आपको बताऊँगा। अब एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ से 76,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, संभावना है 95% की ऊपर नहीं काटेगा। पूरी बात सुनना, अगर काट दिया 5% में ऊपर की तरफ, ठीक है, तो जो दो दिन से आप तेजी देख रहे हो वो तेजी और आगे खींच के ले जाएगा, और आज भी शायद 1,200-1,500 पॉइंट खींच सकता है। ठीक है, तो ये बात जो है वो आप ध्यान से सुनना। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से सीधा ऊपर नहीं जाता है तो हमारे पास दो रास्ते बन जाते हैं चांदी में। यहाँ से पहला रास्ता है कि अब यहाँ पर आपको जो है वो एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक है, आज की डेट दोस्तों बताओ 14 जुलाई हो रही है, और एक साइडवेज ट्रेंड जो है वो आपको देखने को मिल सकता है, ऊपर नीचे ऐसे करके समय बिताएगा, फिर अपना जो चाल है वो ले सकता है। ये टाइम बिताने में एक रेंज बना सकता है, पहली बात आप ध्यान से सुनना, और इसकी ये जो रेंज होगी ऊपर नीचे की वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से होगी, आपको ट्रैप करवाएगा, बार बार आपका स्टॉप लॉस लेगा बाय में सेल में। तो जो भी आप बाय सेल कर रहे हो उसका एक ब्रॉडर ट्रेंड पकड़ लेना ऊपर नीचे का, और वो पकड़ने के बाद फिर आप जो है वो अपना डिसीजन लेना। ठीक है, संभावना है रेंज में एक दायरे में आ जाए, साइडवेज ट्रेंड ऊपर नीचे करके हफ्ता ये बिता सकता है अगर बिताना है तो। और अगर इसने ठान लिया है कि नहीं लोगों को और परे तो ये आज ही के दिन 76,000 काट देगा, ऊपर की तरफ रुक गया एक आध दो घंटे तो फिर वहाँ से लगभग 77,500 ये लेवल भी जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आवाज़ आ रही है, कुछ दोस्त लिख रहे हैं कि आवाज़ में प्रॉब्लम है, आ रही है आवाज़ की नहीं आ रही दोस्तों फटाफट बता देना, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद थोड़ा वेदर का कुछ हो तो। आ रही हो तो मैं आगे की चर्चा शुरू करता हूँ, खाली एक बार बता दीजिए। बहुत सारे दोस्तों ने लाइक नहीं किया, लाइक का बटन जो है वो भी साथ में दबाते रहिए।
चलिए दोस्तों, आवाज़ आ रही है, लिख रहे हैं। ओके ओके, तो शायद जिन दोस्तों ने आवाज़ नहीं आ रही है वो एक बार अपने एंड पे देख लीजिए, शायद यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मोटा मोटी दो चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ से एक टेम्पररी टॉप लग सकता है, टेम्पररी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। जैसे ही ये करेक्शन ख़त्म होगा उसके बाद चांदी वापस से अपने ट्रेंड में जा सकता है, ऊपर वाले ट्रेंड में। उससे पहले एक बार इसको करेक्शन करना है, अगर उसकी इच्छा हुई, इसकी मर्जी हुई तो। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, मैंने बता दिया, लेवल से हमें भाव से पता चलता है दोस्तों। मैं भाव से ही आइडिया लगाता हूँ कि क्या हो सकता है, और वही जो है वो आपको बोलता भी हूँ कि आप सीखने का प्रयास कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, माई इंट्राडे ट्रिक एंड सेटअप, ऐसा जो है वो आप देख सकते हो। तो 76,000 का लेवल आज के लिए अहम होगा, हमारा मेक और ब्रेक का लेवल बनेगा। उसके ऊपर गया तो कल वाली 2 दिन की तेजी और बढ़ाएगा, नहीं काटता और 75,450 के नीचे पहले चलता है तो फिर एक बार जो है वो करेक्शन कर सकता है। और ये करेक्शन जो है वो मैक्सिमम एक बार के लिए 74,500 उसके नीचे चलता है, तो 73,800, 73,000 यहाँ पर ये ख़त्म कर सकता है अपने करेक्शन को। ठीक है, फिर समय बिताएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, पटकेगा, ऐसे ये रेंज में रहेगा। अब आगे की चर्चा कर लेता हूँ डॉलर टर्म के ऊपर। जैसे जैसे मुझे कुछ इंडिकेशन मिलेंगे, हम लाइव तो जुड़ते ही, आज तो लास्ट दिन है, फ्राइडे है, शुक्रवार है, आज तो जो कुछ ज़्यादा होगा नहीं, फिर 2 दिन छुट्टी रहेगी, फिर मंडे को सुबह 9:45 को जब मिलेंगे उस टाइम पे आगे की चर्चा भी करेंगे। अब डॉलर टर्म में दोस्तों एक चीज़ मुझे यहाँ पर भी डॉलर टर्म का चार्ट निकाल के बैठा हूँ मैं, 25.06 के आसपास डॉलर टर्म में चल रहा है चांदी। तो इसमें एक जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें अभी ऊपर की जगह बाकी है डॉलर टर्म में, MCX में लगभग लगभग नज़दीक है। अगर आज ये डॉलर टर्म के ऊपर जो है वो 25.12-15 का लेवल मान के चलते, 25.15 के ऊपर चलता है तो ये तेजी धीरे धीरे करके एक्सटेंड करके 25.50 और 25.80 तक जा सकता है। अगर डॉलर के टर्म में ऊपर जाता है तो फिर हमारा MCX जो है वो भी नीचे तो नहीं बैठेगा, तो फिर ये 76 काटेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ नीचे में। नेट का सही नहीं चल रहा है, मैं देख लेता हूँ नेट में शायद कोई इश्यू तो नहीं है, एक बार आप चेक कर लीजिए। चलिए मैं आपके सवाल भी बाद में ले लेता हूँ, पहले मैं अपना गोल्ड का व्यू फटाफट रख देता हूँ। गोल्ड के अंदर भी ट्रेंड पॉजिटिव था, हमने बात करी थी 58,500 के आसपास, तो जो दोस्तों ने देखा होगा वो वीडियो, वहाँ से भी लगभग ज़्यादा नहीं तो अच्छा खासा प्रॉफिट तो हो ही चुका होगा। 59,375 का हाई है, यहाँ पर नया ब्रेकआउट हो सकता है 59,500 के ऊपर जाने के बाद। 59,500 का लेवल अगर काट देता है और वहाँ पर सस्टेन कर लेता है ऊपर की तरफ, तो फिर वहाँ से एक नई तेज़ी गोल्ड में भी शुरू हो सकती है, जो कि फिर हमें लगभग लगभग 59,750 और 200 उसके ऊपर चलते हैं तो लगभग लगभग 60,500 ये लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं गोल्ड में। 59,500 का लेवल जो है वो अब हमें, 58,600 का जो लेवल है दोस्तों वो आता है गोल्ड के अंदर। अगर ये 58,600 का जो लेवल है वो नीचे की तरफ काटता है तो ही नई गिरावट हो सकती है, बाकी हो सकता है कि ये रेंज बनाए ऊपर नीचे, गोल्ड भी टाइम पास कर सकता है। तो ये गोल्ड में हमें इतनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डॉलर टर्म में गोल्ड का बता दूं तो 1970 का जो लेवल है वो काफ़ी अहम रहेगा, 1970। 1970 ये लेवल अगर डॉलर टर्म में ऊपर की तरफ काट के रुकने का ट्राई करता है, प्रयास करता है, तो गोल्ड भी सिल्वर जैसी चाल जो है वो दिखा सकता है। ठीक है, जैसे गोल्ड में अभी बाकी है चाल, लेकिन जैसे सिल्वर में हमने ट्रेंड देखा तेजी का, वैसा ही ट्रेंड जो है वो हमें गोल्ड भी दिखा सकता है। कंडीशन अप्लाई, 1970 के ऊपर जाके रुकना पड़ेगा वहाँ पर 1-2-3 घंटे, तो फिर ये तेज़ी और आगे बढ़ सकती है और धीरे धीरे करके जो है वो हमें ऊपर में लेवल देखने को मिल सकते हैं 86 के आसपास। और फिर अगर और ऊपर जाता है 85, 1970 के ऊपर जाए तो 1985 के ऊपर जाए तो लगभग लगभग 2000 और 2015-20 का लेवल तो कहना चाहिए। अब जो
नई बात 3 दिन से बता रहा था, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, कि मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। मंडे का एक जो है वो मुझे याद है 10 या 11 जुलाई को वीडियो बनाया था, जैसे ये लाइव कंप्लीट होगा तो टीम से बात करके बताऊंगा कि एक छोटा सा उसका कटिंग पार्ट जो है वो आपको भेजे और आप जो है वो उसको देखो कि क्या चर्चा हुई थी। मैंने ये बताया था कि आज हो रही है 11 जुलाई और सिल्वर नीचे जा सकता है, वो नीचे गया भी 600-700 पॉइंट, लेकिन हमने ये बात करी थी सिल्वर को नीचे जाना है तो जाए, लेकिन मुझे शॉर्ट नहीं, ठीक है। आपको ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही होगी कि नीचे जा रहा है फिर भी शॉर्ट नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहा वो अब आपने ये 2 दिन में देखा, ठीक है, ये 2 दिन में आपने अनुभव भी किया। बहुत सारे दोस्त वो स्ट्रीम में भी जुड़े थे, याद होगा तो आप लिख के भी बता सकते हो मुझे, ठीक है। तो ये मेन दोस्तों एनालिसिस करने का यही तरीका है, जो मेरा अनुभव है वो आप उसका बेनिफिट उठाइए। लाइव तो मैं आता ही हूँ, जुड़ता तो हो ही आपके साथ, और आप इसको सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए मार्केट को। मार्केट को समझने के लिए सिर्फ आपको 30 मिनट का जो है वो टाइम देना होगा मुझे, सिर्फ 30 मिनट में समझ सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 30 मिनट के बाद आपको एकदम सारी चीज़ें क्लियर देखने को मिल जाएगी। अब मैं चलता हूँ दोस्तों आपके सवाल जवाब के ऊपर, अगर आपके कोई सवाल हो तो फटाफट लिख दीजिए, रोज तो ज़्यादा टाइम होता है, आज जो है वो हम ट्राई करेंगे कि 15-17 मिनट में हमारा कार्यक्रम ख़त्म कर दे। चलिए अब जो है वो सवाल देख लेता हूँ। पहले लाइक मैंने किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारे दोस्त जो है जिंक के बारे में बताओ, बाय करना बाय है कहाँ, एग्जिट करो। जिंक में बाय है तो एग्जिट कहाँ पर करें, किसी भी चीज़ को एग्जिट करने का कोई प्रॉपर टाइम नहीं होता। हमें एक रूल का ध्यान रखना है कि हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, धीरे 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 करके ऊपर ले जाना है। जहाँ पर आपने बाय किया है फिर वो लेवल ऊपर काटे, हमारा स्टॉप लॉस ऊपर होगा, वो लेवल ऊपर काटे फिर ऊपर होगा, ऐसे स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। कैसे करते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, समझ सकते हो, पूरा उसमें डिटेल में बताया है, क्योंकि इसमें बताऊँगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब में मैंने बताया था दोस्तों 2 दिन पहले, जो दोस्त उसमें काम कर रहे आपको याद हो तो, मैंने सामने से ही बताया था कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी चाल के लिए तैयार हो सकते हो, और आपके आंखों के सामने देखिए। कॉपर में तो बात भी करी थी कि 730 के ऊपर जाएगा तो 739, 750, 770 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, और कॉपर वो ट्रेंड में चल रहा है, 725 का सपोर्ट रहेगा, सामने से बता रहा हूँ ध्यान रखना। एल्यूमिनियम के अंदर अगर ये 205, 207-8 का लेवल ऊपर की तरफ काटता है तो 240 तक जाने की संभावना है, ठीक है। तो मेटल के अंदर जो दोस्त शॉर्ट कर रहे हैं, जैसा गोल्ड सिल्वर में आपने देखा, वो मेटल में भी चाल पकड़ सकता है, कंफर्मेशन जो जो लेवल बताए अभी वहाँ वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। निकल का अच्छा लेवल आता है 225 के ऊपर, जिंक अगर 225 के ऊपर चलता है तो उसमें भी एक अच्छी लंबी तेजी बन सकती है, ठीक है। तो वो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, सेल से दूर रहिए, बाय करे ना करे वो आपका डिसीजन है, हेल्प कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी से जो दोस्त लिख रहे हैं कि सर सेल करूं या बाय, कैलाश पटेल जी मैंने अभी पूरा बता दिया, आप तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हो। सत्यनारायण जी लिख रहे हैं गोल्ड सेल है क्या करना है, 58,800 पर आपने सेल किया है, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, वो आप देख सकते हो। गुड मॉर्निंग टीमी जी, टीमी शाह लिख रहे कि आई हैव 25 किलो फ्यूचर बाय साइड 76,500। अच्छा, मतलब टॉप ही आज ही बनाया है और आपने ही बनाया है ऐसा लग रहा है, शुड आई कंटिन्यू होल्डिंग। अभी मैंने पूरा व्यू बता दिया है चांदी के बारे में, आप थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो। रवि भाई आप डेली शाम को एक शॉर्ट वीडियो डाल देना, ट्राई करेंगे अगर ज़रूरत होगी। देखिए, जब भी आपको ज़रूरत लगेगी कि मार्केट कुछ गंदा कर रहा है, कुछ ऊपर नीचे खेल करेगा, तो आप जो है वो मुझे पाओगे आपके साथ। परसों रात को मैं सामने से ही आया था, 73,000 का लेवल चल रहा था, 1,800-2,000 पॉइंट की रैली चल रही थी, मुझे लग रहा था कि यार लोग शॉर्ट करेंगे, इसीलिए सामने आके बताया था कि भाई शॉर्ट मत करो, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको आदेश नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है। तो मैं बता रहा हूँ कि शॉर्ट जो है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, जिसको करना है वो करे, जिसने मान लिया वो ठीक है, आज फायदे में 75,000 का, अब उसको लर्निंग में लगाइए, ठीक है। अगर मेरी बात मानो आप तो पूरी मानो, अदरवाइज मत मानो। उसमें ये भी बताया था कि ये हो गया, आप क्या करते हो, आधी होती है बात सुनोगे और आधा आधा, जितना जितना आपको सही लगता है उतना उतना आप मानते हो, बाकी का नहीं मानते, तो ये गलत चीज़ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान करवा सकती है। मानो तो पूरी बात मानो मेरी, ठीक है। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि लगातार आप सीखने पर ध्यान दीजिए।
और जब भी कुछ लगेगा चेंज होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ जुड़ूंगा, ठीक है। शाम की वीडियो में मज़ा आता है, ठीक है, ज़रूर बात करेंगे शाम को भी लगेगा तो। जिंक का जुलाई वादा 222 आएगा क्या? आ सकता है, ट्रेंड पॉजिटिव है, 217 के ऊपर पॉसिबल है। प्लीज़ रिप्लाई करें आएगा या नहीं 72,000 का प्राइस। 72,000 आना चांदी में थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, ठीक है, बाकी का देख लेते कि क्या क्या जो है वो सवाल है लोगों के। सर आप जैसा बोलते हो वैसे 60,000 का लेवल डॉलर टर्म में, 60 का लेवल डॉलर में काटा तो कब मानूं कि काट दिया, क्योंकि मैं डर जाती हूँ कुछ जो है वो नहीं कर पाती। अच्छा काट दिया। आंचल सोनी जी आपका डर का सॉल्यूशन, मतलब ये मैं लेवल बता रहा हूँ और आपको डर भी लग रहा है, तो डर इसलिए लग रहा है, एक कारण ये हो सकता है आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, पहला कारण क्वांटिटी को कम कर दीजिए। दूसरा इसका कारण हो सकता है आपको चार्ट के ऊपर विश्वास नहीं है या आपके पास थोड़ा सा लर्निंग का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने कोर्स का जो कोर्स का प्राइस है कम रखा है ताकि सभी लोग अटेंड कर सके, उसको देख सके, उसको सीख सके, ठीक है। 2500 का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आंचल जी आप जाइए देखिए शांति से समझिए और फिर आपको ऐसा प्रॉब्लम जीवन में नहीं होगा, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देख लेते बाकी के, बहुत सारे दोस्त जो है वो गुड मॉर्निंग का मैसेज कर रहे हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, आपको भी जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बहुत सारे दोस्त जो है वो बता रहे डेल्टा कॉर्प बाय करना सही होगा, प्लीज़ बताइए। चलिए देख लेते डेल्टा कॉर्प का भी जो स्टॉक के बारे में, जैसे कि अगर आपको कोई स्टॉक के बारे में पूछना हो दोस्तों तो भी बता सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो ट्रेंड को, बाय करे या सेल करे, क्या करे, कुछ करे या ना करे, वो सारी चीज़ें आपको 5 मिनट में पता लग जाएगी, ठीक है, और वो मैं आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करके भी बता रहा हूँ। डेल्टा कॉर्प चल रहा है, उसने जो है वो 175 का कुछ न्यूज़ आया था उसका, तो वो न्यूज़ के हिसाब से 28% कुछ GST का ऐसा कुछ न्यूज़ मेरे जो है वो सुना था। अगर आप बाय करना चाहते हो तो उसका स्टॉप लॉस आता है 175 का स्ट्रिक्टली, 175 अगर नहीं काटता है नीचे की तरफ तो फिर यहाँ से एक बारी के लिए ऊपर जा सकता है और ऊपर में लगभग लगभग आपको ये 200 के आसपास देखने को मिल सकता है, अभी चल रहा है 184 200, और 200 का लेवल काट देता है 205 के आसपास का, तो फिर लगभग लगभग जो है वो 208 215 225 232 ये धीरे धीरे, फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, सीधी बात है, हमें जो है वो एक बार एंट्री कर ली तो फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है, ठीक है। तो ये एक स्टॉक का रिकमेंडेशन था, वो भी जो है वो मुझे लग रहा था वो बता दिया, यहाँ से बाय कर सकते हैं, बाय यहाँ से रिस्की है अगर आप सिल्वर की बात करो तो मुझे लग रहा है तब तक, बाकी 76 ऊपर काटा तो खेल हो सकता है गजब का। सिल्वर 74,900 में पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया कल, 74,400 आएगा क्या लगता है, ठीक है, पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया मतलब बाय का सेल का मैं समझ नहीं पाया हूँ। अतिका जी लिख रहे कि सर सिल्वर बाय कर रखे क्या, आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो, आपके लेवल 100% सही होते हैं, मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ जुड़कर, थैंक यू। आप भी हमारे साथ जुड़ के अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको भी जो है वो धन्यवाद, बहुत बहुत सारे दोस्तों को, मैं इसीलिए आता हूँ कि मेरा जितना अनुभव है चार्ट का वो आपको कुछ दे सकूँ, समझा पाऊँ कुछ, मैं अपना व्यू दे सकता हूँ, फिर डिसीजन बाय सेल का तो दोस्तों अल्टीमेटली आपका है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपका है, कितना रिस्क लेना चाहो वो भी आपके ऊपर है। सिल्वर 68,500 कब जाएगा, संभावना कब लग रही है, ठीक है, 68,500 तो मतलब काफ़ी दूर हो गया। क्रूड में आज क्या हो सकता है, क्रूड के बारे में चलो बता देता हूँ एक मिनट, क्रूड कहाँ गया, ये रहा भाई, क्रूड का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। क्रूड के अंदर जैसे हमने कल भी चर्चा करी थी कि ये 6,250 के ऊपर जाएगा तो 6,300 के आसपास जा सकता है, आपके आंखों के सामने कि 6,313 चल रहा है। अब यहाँ से एक लेवल जो है वो आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, अब यहाँ से ये कंटिन्यू ऊपर रहता है तो मुझे नहीं लगता कि 6,375 6,400 ये उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, 6,375 400 उसके ऊपर जाना मुश्किल है, वहाँ से एक बार ये कलेक्शन कर सकता है, लेकिन अगर ये किसी कारण से कोई ग्लोबल न्यूज़ आ जाए 6,400 के ऊपर लगातार रुकता है
तो फिर जो है वो शॉर्ट से एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बात जो है वो ध्यान में रख सकते हो आप और सीखिए दोस्तों। 5 सेकंड लगते हैं, कल भी 5 सेकंड में किसी ने क्रूड के बारे में पूछा था, बता दिया था कि 6250 के ऊपर 6350 जा सकता है, आपकी आंखों के सामने है। यही चीज़ जो है वो सिखाता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में इसी का लिंक रखा है, जाइए और सीखिए। मंडे कब आओगे? चेतन जी लिख रहे हैं मंडे का टाइमिंग हमारा रोज का चेतन जी फिक्स है 9:45। ठीक है, 9:45 का हमारा टाइम है जो है वो आप जुड़ सकते हो, बाकी वीडियो तो रहता ही यूट्यूब पर, आप जाके जो है वो चेक कर सकते हो। प्रशांत सोनी जी लिख रहे हैं सपोर्ट कितना रहेगा आज? अभी शायद आप लेट जुड़े होंगे तो आप पीछे से जो है वो देख सकते हो, थोड़ा सा वीडियो पीछे करके क्रूड ऑयल के बारे में बताइए, क्रूड के बारे में भी बता दिया। इंदौर से गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। साक्षीन कोमल, डॉलर के बारे में भी बता दिया है, डॉलर का व्यू क्या लग रहा है। ठीक है, बहुत सारे दोस्त जो है वो थैंक यू लिख रहे हैं, आप सभी को दोस्तों नमस्कार, थैंक यू सभी लोग, आप जुड़ते हो, इतना प्यार देते हो हमें, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और कुछ सवाल हो तो फटाफट लिखिए, अदरवाइज फिर यहाँ पर हम जो है वो कंप्लीट करते। मुनाफा बुक कर लिया मंजू गर्ग, फ़ायदा हुआ ना, बस मेन यही है, फ़ायदा हो और नुकसान ना हो, मेरा अगर इतना हो गया तो मेरा आना वसूल है। ठीक है, मैं आपके साथ जुड़ता हूँ, अगर आपको फ़ायदा हो जाए और आपका नुकसान ना हो तो मेरा आना, मेरा टाइम निकालना ये 20-25 मिनट वो जो है वो मेरे लिए। एनजी के बारे में बताइए, एनजी के बारे में सेम ही है, एनजी के बारे में जो है वो मैंने आपको पहले बताया था कि 17 का सपोर्ट है, 17 काटेगा तो 12 जा सकता है, और 12 के बाद जो है वो अभी यहाँ से नीचे में, एक मिनट में खाली चार्ट ओपन कर लेता हूँ। चलिए ओके, 210 का उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बस उसी के आसपास चल रहा है 9.80। अगर ये 208 का लेवल काटता है तो गिरावट हो सकती है, और अगर यहाँ से पलटने की कोशिश करे तो 230 के ऊपर बड़ा ट्रेंड है, बाकी यहाँ पर ऊपर नीचे खेल करता रहेगा तो उससे थोड़ा सा दूर रहिए। ठीक है, अशोक जी लिख रहे नंबर बताइए, आपको कोई सवाल हो तो यहाँ पर पूछ सकते, अगर आपको सीखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो लिंक आप जाकर देख सकते हो। सर सिल्वर शैले 73,000 पर 60 किलो, मुरली सोनी, परसों रात को इसीलिए आया था कि लोग सेल ना करें, फिर भी शायद आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, तो आप कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन 76,000 के ऊपर जाए तो थोड़ा और रिस्क बढ़ सकता है सेल साइड में, आप जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सीखने पर ध्यान दीजिए, सीखोगे नॉलेज आपके पास होगा, क्योंकि मैं आऊँगा 15-20 मिनट, 24 घंटे काम आपको करना है, अगर कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, करना है नहीं करना है, वो डिसीजन तो आपको लेना है, मैं यहाँ पर ब्रॉडर ट्रेंड तो बता दूंगा, फिर अगर कुछ चेंज हुआ तो भी मैं आने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ रात को, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। और रात को भी बताया था कि शॉर्ट मत करें, क्योंकि वहाँ से भी लगभग पॉइंट तो बढ़ गया। ठीक है सर, सिल्वर शॉर्ट का चांस है, शॉर्ट का चांस है सिल्वर में, कम लग रहा है, आप पूरा डिटेल में देख लीजिए, पहले के 5 मिनट में सिल्वर के बारे में डिटेल में मैंने बताया है, वहाँ पर आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। ठीक है चलिए, तो यहाँ पर लगभग सारे सवाल ख़त्म हो चुके, बहुत सारे दोस्तों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दोस्तों दबाते जाइए, अपने ग्रुप के अंदर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अच्छा लगता है तो, जो जो दोस्त लेट जुड़े पूरा वीडियो शांति से सुनिए, इसको समझिए, सीखिए, अगर कुछ चेंज होगा तो रात में मिलेंगे, अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो कल जो है वो वीकली एनालिसिस का वीडियो आ जाएगा, सैटरडे संडे को आप जो है वो देख सकते हो। ठीक है, वीकली एनालिसिस में डिटेल में कल चर्चा करूंगा, आपके साथ जो है वो वीडियो बनाकर भेज दूंगा कि वीकली में क्या हो सकता है, अगले वीक के लिए क्या हो सकता है उसके बारे में। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों ने लाइक का बटन दबाया, बहुत बहुत धन्यवाद, अभी भी दबाते रहो दोस्तों लाइक का बटन, तभी जो है वो हम और आगे धीरे धीरे करके ग्रो हो कर सकते हैं। ठीक है चलिए, तो अब मिलेंगे सीधा दोस्तों लाइव में, अगर आज कुछ ज़्यादा जो है वो रात को ज़्यादा धमाल नहीं करेगा तो हम फिर रात को मिलेंगे, अगर धमाल करेगा तो मिलेंगे, नहीं तो सीधा मंडे को 9:45 AM सुबह 9:45 के आसपास जो है वो लाइव में जुड़ेंगे, जो जो दोस्तों को टाइमिंग ना पता हो नोट डाउन कर लीजिए, बाकी वीडियो तो यूट्यूब पर रहता है, अगर आपको कुछ बिजी हो काम हो तो आप जो है वो बाद में भी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है,
67,900 में बाय है सर, क्या करें? तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने तो बॉटम के आसपास बाय किया है। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए। कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है वीडियो में आगे बताया है मैंने कि क्या क्या सपोर्ट आते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते हैं, वो सीखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में माइंड इंट्राडे ट्रिक एंड सेटअप मिलेगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते, वो आपको समझ में आ जाएगा पूरी चीज़ें। ठीक है, साक्षी एन गुमल लिख रहे हैं कि सबसे पहले लाइक करती हूँ।